तो ये एक क्वेश्चन था जो मैंने लिखा था रिकॉर्डिंग में, ऑप्शनल है, राइट? ऑप्शनल है। यश प्लीज 2 मिनट वेट करो, ऐसे पता ही लगेगा मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है। मैं आउट ऑफ सीक्वेंस नहीं जा सकता यश, मेरे को अपने शीट्स के हिसाब से ही चलना है। हाँ, मैं क्योंकि टाइम लगता है ना शीट्स ओपन करने में, तो मैं एक एक करके शीट ओपन करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली ही चलूंगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन था, ये टोटली ऑप्शनल है। मेडिकल वाले तो चाहे ना ही करें, या करना है तो सीधा इसका फॉर्मूला ही याद कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये पूरा जो रिकॉर्डिंग थी ये ऑप्शनल है मेरे हिसाब से। और मैंने रिकॉर्डिंग के अंदर लिख भी दिया था, कितने लोगों ने वैसे ये सुन ली थी, कितने लोगों ने ये सुनी? अच्छा, सुनी है काफी लोगों ने। ओके ओके, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था वो लिफ्ट वाला, जो मुझे लगता है अगर कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा लेवल इंक्रीज था इस शीट में। तो वॉइस नहीं आ रही निधिश, आपको डिस्कनेक्ट हो गए, फिर से कनेक्ट होना पड़ेगा प्लीज। तो नेक्स्ट, इसके बाद एक एक करके चल रहा हूं मैं, उसके बाद फ्रिक्शन के ऊपर आऊंगा, क्योंकि मैंने आज फ्रिक्शन को स्टार्ट करवाना है। मैं एक बार देख रहा हूं कि कोई चीज रह तो नहीं गई जो मैं डिस्कस, किसको मैंने ना किया हो। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट, फ्रिक्शन से अगर हम स्टार्ट करें, तो ये रिकॉर्डिंग के अंदर जरूर होगा, राइट? तो फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, ये आपने सुना होगा। फ्रिक्शन जितनी आसान लगती है उतनी आसान नहीं है, इंटरेस्टिंग है रादर, मैं तो ये भी बोलूंगा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रिक्शन। आप लोगों ने जब लेक्चर सुना होगा तो आपको जो है ऐसा ही सोचा होगा कि फ्रिक्शन का चैप्टर इस तरीके से चलेगा। तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुन के आए हैं फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन को अगर डिफाइन करना है तो बेसिकली ये एक अपोजिंग फोर्स है, बिल्कुल जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग में सुना और इस पीडीएफ के अंदर भी देख सकते हो, कि अगर कोई भी बॉडी को कंसिडर किया जाए, ठीक, और ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब मैंने कहीं ना कहीं राइट की तरफ फोर्स को लगाया होगा, जिस वजह से ये बॉडी राइट की तरफ मूव करती है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। और ठीक, डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो अगर ग्राउंड की बात करते हो ना, ये ग्राउंड है, ठीक, ये ग्राउंड है। अगर ग्राउंड की बात करते हो, और अब क्योंकि ये चैप्टर फ्रिक्शन का चैप्टर है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, मैंने आपको हमेशा कहा कि फ्रिक्शन को आप छोड़ सकते हो, फ्रिक्शन को आप कंसिडर ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब क्योंकि चैप्टर ही फ्रिक्शन का चैप्टर है, तो उस केस में आपको फ्रिक्शन को कंसिडर करना है, और क्वेश्चन में बोला भी गया होगा कि आपको फ्रिक्शन को कंसिडर करना है। तो आप देख सकते हो ये ग्राउंड है, ठीक, और इस बॉडी पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी? इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये एटलीस्ट सबको मालूम है कि जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो बॉडी की मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, पॉइंट नंबर 1, ठीक। इसके बाद इस शीट में क्या है डिस्कस करने वाला, आप सेकंड डायग्राम भी चेक कर सकते हो। सेकंड डायग्राम में ये बताया गया है कि अगर ये ब्लॉक है और अगर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक, ये इसकी मोशन की डायरेक्शन है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन है
वो कहाँ एक्ट करेगी, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक, ये रूल आई होप सबको क्लियर है, ये इसका पहला रूल है। दूसरा रूल क्यों कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में मैंने बताया। ठीक, ये पहला पॉइंट सबको क्लियर है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बॉडी की मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। दूसरा पॉइंट समझो। सेकंड पॉइंट में देखो, कॉन्सेप्ट है किसका, कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पूछ लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है कि अगर ये आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक, ये आपके पास एक ब्लॉक है, और मैंने रिकॉर्डिंग में ये थोड़ा और डिटेल में समझाया जो ज्यादातर बुक्स नहीं समझाती कभी कभी, कि अगर यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और अगर आप बॉडी को यहां मूव करवाते हो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फ्रिक्शन इस बॉडी पे कौन लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा ग्राउंड। और एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, ये हमने डिस्कस किया था। तो ऐसा कभी नहीं होता कि ग्राउंड ने तो फ्रिक्शन लगा दी बॉडी के ऊपर और बॉडी ने ग्राउंड के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया। तो आपने ये एक चीज नोट की होगी कि मैं जो फ्रिक्शन की फोर्सेस को ड्रॉ करता था अपने रिकॉर्डिंग के अंदर, तो मैं कैसे ड्रॉ करता था, मैं ऐसे ड्रॉ करता था कि ग्राउंड ने इस बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगाई, पीछे, है ना, ये क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे। लेकिन बदले में बॉडी ने ग्राउंड के ऊपर भी एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाई आगे। वो अलग बात है कि अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप फ्रिक्शन इसके ऊपर अप्लाई भी करते हो, अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ पे जितनी मर्जी फ्रिक्शन लगा लो, अर्थ तो मूव करने से रही। इसीलिए ज्यादातर बुक्स इस फोर्स को ड्रॉ नहीं करती, लेकिन रियलिटी ये है कि ये फोर्स का सिग्निफिकेंस है। तो अब वो अलग बात है, मैंने क्या कहा, ये ड्रॉ नहीं करती वो अलग बात है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती जरूर है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट वाला, और डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉडी का राइट है, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट है, तो बॉडी के ऊपर लेफ्ट की तरफ होगा। आयुषी, रिकॉर्डिंग सुन के आए हो, ठीक है आयुषी, मैंने ये बताया कि अगर ये बॉडी आगे की तरफ जाती है तो ग्राउंड इस बॉडी पे फ्रिक्शन कहां लगाएगी, पीछे। ठीक, तो पीछे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करती है, ये तो क्लियर है ना आयुषी, ये देखो अपोज कर रही है, पीछे गई, लेकिन जाती जाती ये फ्रिक्शन अर्थ के ऊपर भी इक्वल एंड ऑपोजिट। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल का मतलब एफ एंड एफ, इक्वल ऑपोजिट का मतलब अगर इस बॉडी पे फ्रिक्शन लेफ्ट है तो ग्राउंड की फ्रिक्शन राइट है। ठीक है यहां तक। लेकिन मैंने ये भी कहा आयुषी कि ये ड्रॉ नहीं भी करोगे तो भी चलता है, क्योंकि अर्थ के ऊपर तो आप काम करने से रहे। ठीक है यहां तक, हमारे जो काम की चीज है वो ये चीज है, पर आपको रूल पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, टेंशन की तरह, जैसे टेंशन काम करती थी ना इक्वल एंड ऑपोजिट, फ्रिक्शन भी इक्वल एंड ऑपोजिट काम करेगी। तो कॉन्टैक्ट फोर्स की बात हो रही थी, कॉन्टैक्ट फोर्स अपना रोल, देखो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ये वर्ड कहाँ से आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में होती है तो उनके बीच में कौन कौन सी फोर्सेज है उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोला जाता है। तो अगर मैं यहाँ बात करूं यहाँ पर कौन सी दो बॉडीज हैं जो कांटेक्ट में हैं, तो आप क्या कहेंगे, एक ब्लॉक कांटेक्ट में और एक ग्राउंड कांटेक्ट में, ये दोनों कांटेक्ट में। तो अगर ये दोनों कांटेक्ट में हैं तो आपस में फ्रिक्शन की फोर्स लगा रही हैं, ये इनकी कांटेक्ट फोर्स है, पॉइंट नंबर वन। एक और कांटेक्ट फोर्स है इनकी, ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है ये ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स क्या है, इसका वेट एमजी। तो बदले में बाय रिएक्शन ग्राउंड भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, और कौन सी लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन, याद है हमने फोर्थ चैप्टर में किया था नॉर्मल रिएक्शन। तो इसके अंदर
एमजी फोर्स बॉडी ने ग्राउंड के ऊपर लगाई, तो बाय रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन लगा इस ब्लॉक के ऊपर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एमजी और नॉर्मल रिएक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं? और अगर मैं ये बोलूं कि ब्लॉक के ऊपर, मैंने वर्ड क्या लिखा, ब्लॉक, ओनली ब्लॉक, अगर मैं ये बोलूं कि ब्लॉक के ऊपर कौन सी दो फोर्सेज एक्ट कर रही है जो ग्राउंड लगा रहे हैं ब्लॉक के ऊपर, तो ग्राउंड इसके ऊपर एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है एफ, ग्राउंड ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है एन। ये दोनों फोर्सेस किसके ऊपर लग रही हैं? ब्लॉक के ऊपर लग रही हैं। और अगर मैं ये पूछूं कि ग्राउंड के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, ग्राउंड के ऊपर, तो आप मुझे क्या कहेंगे? ग्राउंड के ऊपर एक तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, ठीक, तो ग्राउंड के ऊपर एक ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ लग रही है, एंड ग्राउंड के ऊपर बॉडी का वेट भी लग रहा है, ग्राउंड के ऊपर बॉडी का वेट भी लग रहा है। तो ग्राउंड के ऊपर कौन कौन सी दो फोर्सेस लग रही हैं? एक एफ लग रही है और दूसरा क्या लग रहा है? वेट, एमजी लग रहा है, राइट, वेट एमजी लग रहा है। तो ये दो फोर्सेस ग्राउंड की फोर्सेज हैं, ये वाली, ये दो फोर्सेस ग्राउंड की फोर्सेज हैं, ये दो फोर्सेस ग्राउंड की फोर्सेस नहीं है, ये ब्लॉक की फोर्सेस हैं। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस लिखें, डाउट है डाउट लिखें, ठीक ठीक है, डाउट ओके, देखो ओके ओके ओके, फिर से देखो, फिर से देखो, दो चीजें हैं, रुको रुको कोई बात नहीं, समझा रहा हूं, फिर से देखो एक बार, दो चीजें हैं, दो दो बॉडीज हैं, प्लीज, पहली बॉडी कौन है? ब्लॉक है, दूसरी बॉडी कौन है? ग्राउंड है, ठीक है। ब्लॉक को जब मैंने राइट मूव करवाया तो ब्लॉक के ऊपर क्या लगी? फ्रिक्शन। मैंने कहा ब्लॉक के ऊपर क्या लगी? फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन किसके ऊपर लगी? ब्लॉक के ऊपर लगी। वॉइस लैग कर रही है रचित, डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाओ फिर से। तो ब्लॉक के ऊपर क्या लग रही है? फ्रिक्शन। ब्लॉक ने अपना वेट ग्राउंड पे लगाया है ना, तो ब्लॉक ने अपना वेट ग्राउंड पे लगाया, तो ये फोर्स किस पे लग रही है? ग्राउंड पे लग रही है। ये फोर्स किस पे लग रही है? ब्लॉक पे लग रही है। तो ग्राउंड ने भी ब्लॉक के ऊपर क्या लगाया? नॉर्मल रिएक्शन, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसकी है? ब्लॉक की। वेट किस पे लगाया था? किस पे? ग्राउंड पे। तो वेट किस पे लग रहा है? ग्राउंड पे। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर ब्लॉक पे लग रही है तो ग्राउंड पे बाय रिएक्शन फोर्स कहां लग रही है? इस तरफ। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसकी लग रही है? ग्राउंड की लग रही है। तो कुल मिला के वरांश फिर देख लो एक बार, लेफ्ट और राइट देख लो, ये लो, ये ब्लॉक है, ये ग्राउंड है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक। ग्राउंड इसे रोकेगी मानते हो? जिनको डाउट है, कैसे रोकेगी? बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, ये फ्रिक्शनल फोर्स किसने लगाई? ग्राउंड ने लगाई। किस पे लगाई? ब्लॉक पे लगाई। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे लगेगी? ब्लॉक पे। किस पे लगेगी? ब्लॉक पे लगेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो बदले में ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर, मैंने कहा ब्लॉक ब्लॉक के ऊपर नहीं, ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाएगा एफ, एक्शन रिएक्शन। तो ये फोर्स किस पे लगी? ग्राउंड पे लगी। कोई डाउट इसमें? यहां तक देख लो पहले,
डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक पे इधर, तो ग्राउंड पे इधर, ठीक है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। मैं साथ साथ लिख रहा हूं कि किसको कौन सी फोर्स मिली। आगे, ब्लॉक ने ग्राउंड के ऊपर अपना भार लगाया, किस पे लगाया? ग्राउंड पे लगाया। कितना लगाया? एनजी लगाया। किस पे लगाया? ग्राउंड पे लगाया। तो ग्राउंड ने बदले में ब्लॉक के ऊपर भी फोर्स लगाई, नॉर्मल रिएक्शन। तो किस पे लगाई? ब्लॉक पे लगाई। अब ये चार चीजें क्लियर हो गई, कौन कौन सी ब्लॉक की फोर्सेस हैं, कौन कौन सी ग्राउंड की फोर्सेस हैं, ठीक है ना? ये पहला पॉइंट है, ठीक है? कोई डाउट इसमें? हाँ, कॉन्टेक्ट फोर्स बता रहा हूं आयुषी। आयुषी, अब कॉन्टेक्ट फोर्स आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, ये और ये चार फोर्सेस, चारों की चारों होने का रीजन क्या है? चारों को, मेरी वॉइस लैग कर रही है क्या? ओके, काफी लोग नो बोल रहे हैं। डिस्कनेक्ट होके प्लीज कनेक्ट करें, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें प्लीज, जिनको लैग सुन रही है। तो मैंने क्या कहा, ये चारों की चारों फोर्सेस होने का रीजन क्या है? चारों फोर्सेस होने का रीजन या चलो क्वेश्चन में चेंज करता हूं, ये चारों की चारों फोर्सेस इसलिए हैं क्योंकि ब्लॉक और ग्राउंड आपस में कांटेक्ट में है ना, आपस में जुड़े हुए हैं, कांटेक्ट में है, इसलिए ये चार फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं। तो चारों की चारों कांटेक्ट फोर्सेस हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी कांटेक्ट की वजह से है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये भी कांटेक्ट की वजह से है। तो अगर मैं ये पूछूं कि ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सी दो कांटेक्ट फोर्सेस लग रही हैं, तो आप मुझे क्या बताओगे? ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक, नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है। ब्लॉक के ऊपर दो कांटेक्ट फोर्सेस हैं, ठीक, ब्लॉक के ऊपर दो कांटेक्ट फोर्सेस हैं। एक सेकेंड, मैं इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर रहा था, अब सही है। देखो, मे बी अब वॉइस ज्यादा बेटर आएगी। तो ब्लॉक के ऊपर दो कांटेक्ट फोर्सेस हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन है और दूसरा फ्रिक्शन है। ये दोनों कांटेक्ट फोर्सेस हैं। तो अगर मैं ये पूछूं कि बताओ इस ब्लॉक पे रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कितनी है, रिजल्टेंट का मतलब समझते हो ना, फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटीज और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकलेगा? पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन से। तो ये इनका रिजल्टेंट हो गया, ये लो, ये जो रिजल्टेंट है ये इनकी क्या मानी जाएगी? नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जिसकी वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ एन का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि नेट कॉन्टैक्ट फोर्स अगर क्वेश्चन में आएगा तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट माना जाएगा, राइट? तो जैसे सपोज करो एक न्यूमेरिकल है, इसी के ऊपर आपको मिलेगा बुक्स के अंदर कि सपोज, लेट अस सपोज कि ये आपके पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का वेट या मास 5 kg है, ये डायरेक्शन है ब्लॉक के मूव करने की, फ्रिक्शन प्रेजेंट है और मान लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इसमें 7 newton है, तो बोलो इस ब्लॉक पे नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगी? निकालो आंसर,
नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगी। और अरमान जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि जापान के अंदर जो ट्रेन यूज करती हैं वो रेल्स के ऊपर मूव नहीं करती, वो ट्रैक के ऊपर मूव करती हैं कुछ सेंटीमीटर्स, है ना, हवा में मूव करती हैं ट्रैक के ऊपर, उसका रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का काम है, इसमें जो है इसका फ्रिक्शन का काम नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होती उनमें। इसका आंसर क्या है रचित, इसका कौन से, इसका आंसर जीरो कैसे हो सकता है रचित? जीरो नहीं हो सकता यार, क्योंकि कॉन्टैक्ट है ना ग्राउंडर, इसका तो कॉन्टैक्ट है ही है, तो कुछ तो आंसर होगा ही। ये बताओ इसका वेट कितना है, 5 kg इसका क्या है मास है, तो वेट कितना है, वेट है 5 × g। रक्षित क्लियर है, 5g का मतलब है 5 × 10 N, 50 N। ठीक है हर्षित, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालो, मास गिवन है, फ्रिक्शन गिवन है, खत्म। ठीक, तो अगर इसका वेट 50 N है नीचे की तरफ, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन भी कितना है बोलो, 50 N, राइट? तो 50 N नॉर्मल रिएक्शन है और 7 N की फ्रिक्शन है, तो दो दो कॉन्टैक्ट फोर्सेस आ गई, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकलेगी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये लो, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के आंसर क्या आएगा, 50² + 7² इज द आंसर, सॉल्व कर लेना आंसर, ये आंसर आएगा। गौरांश अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर, आप स्टैटिक और काइनेटिक पूछ रहे हो, जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होगी ना, आप रिकॉर्डिंग सुन के आए हैं, ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, ठीक है, लेकिन अभी मैं उसकी डिस्कशन करूंगा, अभी मैंने सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर फोकस रखा है, स्टैटिक और काइनेटिक जो है अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। बिल्कुल कुंवर, कुंवर ठीक है, पहले जरा मैं नॉर्मल रिएक्शन की कहानी भी सुना दूं आपको, वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर भी हमने की, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, कुंवर ये पूछ रहे हैं कि क्या हमेशा यश वेक्टर क्यों निकाला, इसके ऊपर दो फोर्सेस है ना, 50 and 7 तुमने थ्योरी में किया ना, कि रिजल्टेंट फोर्स जो होती है वो क्या होती है, इसका और इसका जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट फोर्स, तो क्वेश्चन में रिजल्टेंट फोर्स पूछी जाती है, ठीक है ना यश, तो रिजल्टेंट फोर्स है तो आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, राइट? तो कुंवर ये पूछ रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या हमेशा वेट के ऑपोजिट होता है, कितने लोग एग्री करते हैं यस, क्या नॉर्मल रिएक्शन वेट के हमेशा ऑपोजिट होता है, यस बोल रहे अक्षत, बहुत सारे लोग यस बोल रहे हैं, ओके ओके ओके, नो नो भी आ रहा है मुझे बीच में कुछ कुछ, नो भी आ रहा है, ओके नो, दूसरा नो भी आ गया, ओके लो फिर अगर यही बात है तो प्लीज एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर निकालो, ये लो आंसर निकालो, जिन्होंने यस बोला वो भी, जिन्होंने नो बोला वो भी, ये लो क्वेश्चन, ये रहा, ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल 30 degree है, ठीक, हर्ष रिजल्टेंट निकालने का फायदा क्या है, रिजल्टेंट निकालने का फायदा ये है कि रिजल्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन में, क्योंकि नेट फोर्स इज रिजल्टेंट फोर्स, तो आप अलग अलग दो आंसर नहीं दोगे कि सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, रिएक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स, आप एक ही आंसर बोलोगे कि ये नेट रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है, दैट्स इट, ठीक है। आगे तो सपोज इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, 5 kg का ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है, मुझे इसका नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, बोलो क्या आंसर निकालते हो, क्या आंसर है? बहुत लोग बोल रहे हैं 5g cos theta, क्यों? क्योंकि आपने फोर्स में किया ये 5g, तो कुंवर समझ में आ गया आपको आपका क्वेश्चन, कि जरूरी नहीं है कि वो वेट के ऑपोजिट होगा, और बहुत सारे लोगों ने यस लिखा था कि सपोर्ट में, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वेट के ऑपोजिट ही नॉर्मल रिएक्शन होगा, वेट का ये जो सरफेस देखते हो, ये सरफेस, इस पे अगर फोर्स लग रही है 5g cos 30, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये रूल है, इसके परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल रिएक्शन, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन 5g cos
छठी होगा, राइट। हाँ, डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो, नॉर्मल रिएक्शंस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही। तो कॉन्टैक्ट फोर्स सबको समझ में आ गई, ठीक है, ओके, ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, ओके, दूसरा पॉइंट समझते हैं। उसके लिए मैं एक मिनट शीट ओपन कर लूं। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको पीडीएफ पे दिखा रहा हूं। इसको समझना बहुत 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 ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना बात नहीं चल सकती, ठीक। तो देखो, इसको समझने के लिए वही पुराना एग्जांपल लूंगा मैं, जो स्लाइड पे भी लिया हुआ है, कि अगर कोई भी ब्लॉक है और इसको मिनिमम फोर्स चाहिए हिलाने के लिए, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक इज, लेट अस सपोज 10 न्यूटन। तो आपने सुना होगा है ना रिकॉर्डिंग के अंदर, ये क्या था, फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड, और ये क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स अप्लाइड एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मैंने क्या बताया था कि अगर मैंने इसके ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो उस केस में ये बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। अगर मैंने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो उस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिक ही 1 न्यूटन हो जाएगी, और अगर मैंने 2 न्यूटन अप्लाई की, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली 2 न्यूटन हो जाएगी। और उसी तरीके से अगर मैंने 9 न्यूटन अप्लाई की, तो 9 न्यूटन हो जाएगी, लेकिन बॉडी मूव नहीं करेगी जब तक मैं 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाता। ठीक अरमान, वॉइस नहीं आ रही, बाकियों को वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है अरमान? डिस्कनेक्ट, शिवांगी डिस्कनेक्ट, फिर से कनेक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, वो बीच बीच में हो जाती है लैग, इट्स ओके, कोई बात नहीं। एक मिनट, देखो तो इसके अंदर अब बेटर आएगी। तो इसके अंदर मैं क्या कह रहा था कि अगर मैं 9 न्यूटन तक फोर्स लगाऊंगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 9 न्यूटन है, और अगर मैं 10 लगाऊंगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन है, लेकिन बॉडी मूव नहीं करेगी, और ये सारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंगली चेंज होगी। ये आप सुन के आए हैं, ठीक, 10.1 न्यूटन पे मूव करेगी, 10.1 न्यूटन पे मूव करेगी, ठीक। तो अगर मैं 10.1 या 10 से कुछ भी ज्यादा अप्लाई करता हूं, तो बॉडी मूव करेगी, बिल्कुल करेगी, लेकिन चलती हुई बॉडी में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ी सी 10 न्यूटन से कम हो जाएगी। कुछ भी एक फिगर ले लेते हैं, 9.8 न्यूटन। अब चाहे आप 100 न्यूटन की फोर्स भी लगा लोगे, तो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 9.8 न्यूटन ही रहेगी, और वो कॉन्स्टेंट ही रहती है। तो एक चीज तो क्लियर है पूरी रिकॉर्डिंग में और पूरे कॉन्सेप्ट से, कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यूज को चेंज करती है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका नाम क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि बॉडी किस में आ चुकी है, अब इन मोशन, बॉडी मोशन में है, और जब बॉडी मोशन में है तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करती है, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक,
डाउट है डाउट लिखो प्लीज। आयुषी नो लिखा, नो का मतलब क्या है? अच्छा ठीक है कुंवर, हाउ टू कैलकुलेट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड वो मैं बता देता हूँ। आयुषी रिकॉर्डिंग सुन के आए हो? हाँ, तो रिकॉर्डिंग के अंदर भी मैंने इसमें बताया था कि कोई भी बॉडी, अगर हम कोई भी बॉडी लें उसको मूव करवाने के लिए, कोई बात नहीं, और भी डाउट्स हैं लोगों को, इट्स ओके, कोई बात नहीं। फ्रिक्शन थोड़ा सा कैच करना थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, लेकिन बाद में ये ठीक हो जाएगा। तो किसी भी बॉडी को हिलाने के लिए एक मिनिमम फोर्स चाहिए, और वो मिनिमम फोर्स की वैल्यू सपोज 10 न्यूटन है। यहां तक क्लियर है जिनको डाउट है? देखो ये तो है नहीं कि बहुत बड़ी अलमारी पड़ी है और अब जाओगे वो हिल जाएगी, उसको कोई तो फोर्स लगानी पड़ेगी कम से कम जब वो हिलेगी। मान लो वो 10 न्यूटन है। आप कुंवर पूछ रहे हैं कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। हर बॉडी की ये वैल्यू चेंज होती है, उसके वेट पे डिपेंड करेगी, उसका कितना वेट है, जितना वेट होगा उसको हिलाना उतना ही मुश्किल होगा, ये याद रखना। मैंने ये कहा कि मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करूंगा, ठीक, और यहां मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मेरे रिकॉर्डिंग के अंदर आपने देखा होगा आयुषी, मैंने बताया था कि अगर मैं इस बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगाता हूं, 1 न्यूटन, तो ये मूव नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसको हिलाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए, 10 न्यूटन, ठीक है, तो मूव नहीं करेगी। क्यों नहीं मूव करेगी? अगर मान लो एक मिनट के लिए आयुषी फ्रिक्शन हटा देते हैं, मान लो दुनिया में फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक, ध्रुव एक मिनट, आप पूछ रहे हो वेट 100 kg, ध्रुव आप इसका वेट 100 kg छोड़ो, 10,000 kg ले लो, 10,000 किलो तो बहुत बड़े होते हैं, और मान लो ध्रुव यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, मैं एक उंगली भी लगाऊंगा ना 1 न्यूटन फोर्स की तो भी 10,000 kg मूव करेगा, तो भी मूव करेगा, क्योंकि रोकने वाली फोर्स सिर्फ फ्रिक्शन है। और अगर आप फ्रिक्शन नहीं लेते तो इसका मतलब आप किसी भी पॉइंट 1 न्यूटन फोर्स से भी मूव कर सकोगे। ध्रुव फ्रिक्शन अपोज करेगी, आप ये पूछ रहे हो, फ्रिक्शन होगी नहीं, अपोज क्या करेगी? सरफेस में फ्रिक्शन होने का रीजन जो होता है वो खुरदरापन होता है, रफनेस। आप मुझे आइस का एग्जाम्पल दे रहे हो, हाँ, तो आइस का एग्जाम्पल दे रहे हो, तो फ्रिक्शन नहीं होगी, बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी, तो बॉडी आराम से मूव करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर फ्रिक्शन है और बॉडी को हिलाने के लिए मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए, 10 न्यूटन, मैंने कितनी लगाई, 1 न्यूटन। अब ये तो बात पक्की है ना कि अगर मैंने इसको 1 न्यूटन की फोर्स लगाई तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी फ्रिक्शनल फोर्स पीछे एक्ट करेगी जो इसको रोकेगी, अपोज करेगी। अब सोचो आयुषी, अगर फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन ले लेता हूं, 10 न्यूटन, तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि 10 न्यूटन के केस में क्या कहता है कि अगर ये बॉडी है और ये बॉडी, अगर मान लो मैं इसके ऊपर 1 न्यूटन यहां लगा रहा हूं और अपोज करने की फोर्स 10 न्यूटन है, तो फिर पक्की बात है ना आयुषी, 10 न्यूटन है तो फिर बॉडी तो 10 न्यूटन की तरफ ही मूव करनी स्टार्ट कर ही देगी ना। आयुषी अगर आप ये 10 न्यूटन बोलने की कोशिश कर रहे हो तो न्यूटन का लॉ कहता है कि ये 10 है ये 1 है तो बॉडी लेफ्ट मूव करेगी, कितना बढ़िया काम है, बॉडी हिल नहीं रही थी, है ना, एक बॉडी को हिलाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, मैंने 1 न्यूटन लगाई और बॉडी मेरी तरफ आ गई, ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई ट्रक खड़ा था आपने 1 न्यूटन लगाया ट्रक आपके ऊपर आ गया, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि यहां पर 10 न्यूटन डेवलप ही नहीं होती, यहां पर जितनी आप फोर्स लगाते हैं जितनी फोर्स आप लगाएंगे ना,
ओके फिर से एक बार, जितनी फोर्स आप लगाएंगे ना इसमें 1 न्यूटन, फ्रिक्शन एक ऑटोमेटिक फोर्स है, ठीक। यश मैं क्या कर सकता हूं अभी, आप सबको लैग कर रही है वीडियो और ऑडियो दोनों, एक बार प्लीज चेक करो। वैसे यश मैंने अपना सिस्टम खोला हुआ है अपने साथ यहाँ पे ताकि मेरे को लैग का पता लग जाए, तो यहाँ पर हो नहीं रही यश, आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है जरूर। इंटरनेट कनेक्शन की ही प्रॉब्लम है मेरे को तो ऐसा लगता है। तो देखो 1 न्यूटन की फोर्स मैंने लगाई, अगर ये बॉडी मूव नहीं करती तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली आयुषी 1 न्यूटन हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 न्यूटन है, सेम गेम चलती रहेगी, 2 न्यूटन पे 2 न्यूटन है, 3 न्यूटन पे 3 न्यूटन है, लेकिन बॉडी किस पे रहेगी, एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे रहेगी। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, किसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है, अकॉर्डिंग टू योर अप्लाइड फोर्स। आप जितनी अप्लाइड फोर्स चेंज करते जा रहे हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वैसे ही अपनी वैल्यू को चेंज करती जा रही है। और कब तक, जब आप 10 न्यूटन लगाओगे तो भी बॉडी किस पे रहेगी, एट रेस्ट। तो ये सारी फ्रिक्शन का नाम क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर बॉडी मोशन में नहीं होती, बॉडी हमेशा किस पे होती है, एट रेस्ट होती है। लेकिन अगर आपने 10 से ऊपर 10.1 न्यूटन भी लगा दी, 11 न्यूटन लगा दी, 121 112 न्यूटन लगा दी, जितनी मर्जी न्यूटन लगा दो, तो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, बॉडी चलना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि आपने फोर्स 10 न्यूटन से ऊपर लगा दी। तो ऐसा तो नहीं कि अब फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगी, फ्रिक्शन तो अब भी एक्ट करेगी, लेकिन अब फ्रिक्शन 10 न्यूटन, इसको मिनिमम फ्रिक्शन, मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए थे हिलाने के लिए, 10 न्यूटन, अब फ्रिक्शन थोड़ी सी कम एक्ट करेगी। लेट अस सपोज, मैं सपोज कर रहा हूं 9.5 न्यूटन। अब आप दुनिया की जो मर्जी फोर्स लगा लो, अगर आपकी बॉडी 9.8, तो अपने मन से ले रहा हूं मैं, 9.5 भी हो सकती है, 9.7 भी हो सकती है, 9.8 भी, कुछ भी, तो उस केस में 10 न्यूटन से कम होगी, राइट, 10 न्यूटन से कम होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में अगर 10 न्यूटन से कम होगी, अरिन मैंने ये बताया, अरिन आप फ्रिक्शन की वीडियो सुन के आए हो, एक मिनट मैं जरा लोगों के क्वेश्चन भी देख लूं, एकदम फायरिंग हुई है क्वेश्चंस के, एक मिनट। हर्ष एमजी का कोई इफेक्ट नहीं, ओके, नहीं एमजी का इफेक्ट है, एमजी का कंपोनेंट है। वरांश, फोर्स वाले चैप्टर में रिएक्शन फोर्स का भी, अच्छा पिछला क्वेश्चन है, एक सेकेंड और भी चैट में जरा क्वेश्चन देख लूं। अर्नब, व्हाई नॉट 10, या आपका क्वेश्चन है व्हाई लेस देन 10, इसका रीजन ये है, लेस देन 10 क्यों होता है, आपने रिकॉर्डिंग में सुना होगा कि जब भी कोई बॉडी को अगर आप थोड़ा और डिटेल में देखें, ना ये बॉडी है और ये ग्राउंड है, तो कुछ इस तरीके से खुरदरी सरफेस होती है, रफ सरफेस होती है। तो मैंने आप अपने रिकॉर्डिंग में भी आपको दिखाया कि ये सरफेस है ना, ये जैसे ये स्क्रीन के ऊपर ये सरफेस है, मेरा हाथ नहीं है, ये खुरदरी सरफेस है, रफ है, और एक ये सरफेस है ना, दो सरफेसेस हैं, इस तरीके से इंटरलॉकिंग होती है सरफेसेस में। एक्चुअल में सरफेसेस ऐसी होती है, बॉन्ड बने होते हैं। तो जब ये बॉडी रेस्ट पे होती है ग्राउंड के ऊपर ऐसे, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने होते हैं, अंदर की तरफ बने होते हैं, इनको तोड़ना मुश्किल होता है,
इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती है, तो ये 10 न्यूटन तक रहती है। लेकिन जब बॉडी चलनी स्टार्ट हो जाती है तो ये बॉन्ड पूरी तरह बन नहीं पाते, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है। अर्नब क्लियर है? फ्रिक्शन कम क्यों हो जाती है, इसका रीजन, क्योंकि जब बॉडी चल रही होगी तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतने स्ट्रॉन्ग बन नहीं पाएंगे बॉडी में और ग्राउंड में जितने खड़ी बॉडी के बन पाते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन आपका ये जरूर वैलिड है कि हाउ टू कैलकुलेट 9.5, मुझे कैसे पता लगेगा। दो क्वेश्चंस हैं कि इस बॉडी को हिलाने के लिए मिनिमम फोर्स 10 न्यूटन चाहिए थी, और दूसरा क्वेश्चन कि जब ये बॉडी चल पड़ी तो फ्रिक्शन की फोर्स 9.5 होगी, 9.8 होगी, 9.7 होगी, ये बताओ कि कैसे पता लगता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये दो क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया, अब मैं दूंगा थोड़ी देर में, ठीक। प्रियांशु, वाई कैन नॉट वी मेक एग्जैक्टली प्लेन सरफेस? प्रियांशु, आपको माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से सरफेस को देखना पड़ेगा, तो आपको सरफेस खुरदरी दिखेंगी, रफ दिखेंगी, प्लेन नहीं दिखती, इसलिए ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछो। तो इस कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन को क्या नाम देंगे, कौन सी फ्रिक्शन है? इस कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन का नाम क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब बॉडी रेस्ट पे है तो सारी चेंजिंग फ्रिक्शन का क्या नाम होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इफ 10.0001 न्यूटन समथिंग फोर्स इज अप्लाइड? हर्षित, अगर आप 10.0001 न्यूटन अप्लाई करते हो तो बॉडी विल स्टार्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन विल प्ले इट्स रोल और आंसर 9.5 न्यूटन रहेगा। 10 से ऊपर कुछ भी लगा लो बॉडी चल पड़ेगी, बात ही खत्म। और जब बॉडी चलेगी तो फिर उस केस में कम हो जाएगी फ्रिक्शन। यहां तक आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्लीज आप पहले ही पूछ लो, इससे पहले कि मैं आगे चलूं। पूछो। ओके, वराश, अब थोड़ा सा हाइपोथेटिकल केस ज्यादा नहीं हो गया? आप ये पूछ रहे हो कि अगर एटम फ्लैट ना हो, फ्लैट होते तो क्या होता? वराश, फिर तो यार फिजिक्स भी शायद ऐसी ना चलती, मुझे लगता है ना, कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ स्कोप हो गया क्वेश्चन। कैन काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज? नो हर्षिता, काइनेटिक फ्रिक्शन कैन नॉट चेंज, इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। स्टैटिक कैन चेंज, काइनेटिक कैन नॉट चेंज। प्लैनेट, क्षितिज, ये प्लैनेट वाला, प्लैनेट नहीं समझ आया मुझे। क्रिश, 10 न्यूटन पे बॉडी रेस्ट पे क्यों? क्रिश, 10 न्यूटन पे बॉडी रेस्ट पे मानी जाती है क्योंकि इसको कम से कम फोर्स चाहिए 10 न्यूटन। 10 न्यूटन में क्रिश सिर्फ बॉन्ड टूटते हैं, सिर्फ बॉन्ड टूटते हैं। बॉडी को चलाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए 10 न्यूटन से ज्यादा, उससे वो चलती है, ठीक है ना। उसकी पोजीशन को हिलाने के लिए 10 न्यूटन चाहिए सिर्फ। वरांश, काइनेटिक फ्रिक्शन हर केस में 10 न्यूटन से कम होगी। अगर इस बॉडी को हिलाने के लिए 100 न्यूटन कम से कम फोर्स चाहिए तो काइनेटिक फ्रिक्शन 100 न्यूटन से कम होगी, हमेशा 9.5 नहीं होगी। वो इस पर डिपेंड करेगी कि मिनिमम फोर्स क्या है, इससे कम होगी। अगर ये 1000 न्यूटन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन 1000 न्यूटन से कम होगी। अगर ये 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन से कम होगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ओके, क्षितिज, आप ये पूछ रहे हो कि हम प्लैनेट को मूव कर सकते हैं क्योंकि वहां फ्रिक्शन नहीं होती। आप प्लैनेट को रोक के रखो स्पेस में, और अगर मैं जाऊं और फोर्स लगाऊं, फोर्स की भी एक स्टाइल है क्षितिज। अगर आप हवा में उड़ रहे हो स्पेस में, आप फोर्स कैसे लगाओगे मुझे बताओ? क्योंकि फोर्स लगाने के लिए भी आपके पैर रुके होने चाहिए, तब जोर लगेगा। अगर मैं खुद ही स्लिप होता जाऊंगा तो मैं जोर कैसे लगाऊंगा? तो ये भी कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ स्कोप हो गया। आप प्लैनेट मत लो, आप बहुत बड़ी बॉडी लो, बहुत बड़ी बॉडी के हिसाब से आप सोचो। इतनी बड़ी भी हाइपोथेटिकल केसेस मत लो कि प्लैनेट और इतने बड़े सन को मूव करवाया जा सकता है, नहीं करवाया जा सकता, और ऐसा हो भी नहीं सकता, ऐसा कोई केस ही नहीं होगा, मास ज्यादा बड़ा है। और कुंवर, डज मोर फोर्स मींस मोर स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी?
मोर फोर्स मीन्स अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सलेशन ज्यादा होगी तो स्पीड भी ज्यादा होगी कुंवर, सही है। और इज इट रिलेटेड टू वेट गौरांश? हाँ, इज इट फ्रिक्शन फोर्स इज रिलेटेड टू वेट, राइट, वेट ज्यादा होगा फ्रिक्शन ज्यादा होगी। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता भी है और यहां से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट भी होता है। अर्नब, क्या क्वेश्चन आपका, फिर से लिखना एक बार प्लीज। शाश्वत, एयर में फ्लूइड फ्रिक्शन होगी? बिल्कुल होगी, एयर फ्रिक्शन होती है, हम लेते नहीं है शाश्वत। हम जो स्टडी कर रहे हैं लिक्विड फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन नहीं स्टडी करते, हम सॉलिड फ्रिक्शन स्टडी कर रहे हैं शाश्वत। जो लिक्विड या फ्लूइड फ्रिक्शन है और एयर फ्रिक्शन है वो हम नवंबर के अंदर स्टडी करेंगे, लिक्विड्स के अंदर होती है, उसके रूल थोड़े डिफरेंट होते हैं इससे, सॉलिड फ्रिक्शन से डिफरेंट होते हैं, उसमें स्टैटिक काइनेटिक नहीं होती, इसमें एक ही फ्रिक्शन होती है। अर्नव, या तो क्वेश्चन लिख दो प्लीज अपना। देखो, तो अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें, अर्नब आप ये पूछ रहे हो, अगर हम फोर्स अप्लाई करना बंद कर दें तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाएगी? देखो अर्नब, अगर बॉडी हिल रही है, मूव कर रही है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन सेम रहेगी। अगर बॉडी रुकी हुई है, तो अगर आपकी बॉडी रुकी हुई है तो स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करती है किसी ने उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई की। तो ऐसा नहीं होता कि आपने फ्रिक्शन, आपने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने की बजाय 4 न्यूटन कर दी तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो गई, ऐसा नहीं होता। जब जब बॉडी चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कॉन्स्टेंट ही रहेगी। तो ये ग्राफ आपके स्कूल के पेपर के अंदर आता है, नहीं होती, अर्नब कॉन्स्टेंट है काइनेटिक फ्रिक्शन, कॉन्स्टेंट है। ये देखो ग्राफ ही बता रहा हूं मैं, ये फ्रिक्शन है और ये फोर्स अप्लाइड है। एक बॉडी को मूव करवाने के लिए मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए? 10 न्यूटन। तो अगर मैंने फोर्स अप्लाइड 1 न्यूटन ली तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितनी है? 1 न्यूटन। अगर मैंने 2 न्यूटन ली तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितनी है? 2 न्यूटन। तो ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन, 1 न्यूटन पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, तब तक ये गेम चलेगी 10 न्यूटन पर 10। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब आप 11 न्यूटन अप्लाई करोगे, 12 न्यूटन अप्लाई करोगे एंड सो ऑन, तो फ्रिक्शन थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। ये मैंने बताया था आपको कुछ ऐसे, ये देखो, जैसे 9.5 न्यूटन ऐसे। तो कहने का मतलब कि शुरू शुरू में जब बॉडी को मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए, जब बॉडी की मिनिमम फोर्स है 10 न्यूटन, तो अगर आपकी फोर्स अप्लाई 10 न्यूटन से कम है तो फिर उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन भी उतनी ही होगी जितनी आपने फोर्स को अप्लाई किया। लेकिन अगर आप 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हो तो उस केस में ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाती है। तो इस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो कॉन्स्टेंट है और ये सारी फ्रिक्शन कौन सी है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो ग्राफ ये शो कर रहा है कि स्टैटिक
फिक्शन अपनी वैल्यू को चेंज कर सकती है, काइनेटिक फिक्शन कॉन्स्टेंट रहेगी। इस ग्राफ में कोई डाउट अगर ग्राफ पेपर में आता है तो बना लोगे, ग्राफ बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स, चेक कर लो प्लीज। ठीक ठीक है, इसलिए डिक्रीज होती है गौरांश, थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि बॉडी चल पड़ती है। जब बॉडी चलती है तो एकदम 10 से 9.5 आने में थोड़ा टाइम, थोड़ा गैप है ना, वो गैप शो की है। ठीक, वो गैप शो की है। हर्षित, जब बॉडी चल पड़ती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन 9.5 है, तो वही तो की है 9.5। ये देखो आपने फोर्स अप्लाई किया 12 न्यूटन, 13 न्यूटन, 14 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन तो 9.5 ही रहेगी ना, कांस्टेंट ही रहेगी, ये तो चेंज होएगी। तो इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, फिर आगे बढ़ेंगे, फ्रिक्शन आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन एक ट्रिकी टॉपिक है और फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बेस भी बनाएगा, और स्पेशली एक चैप्टर का जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। ठीक, तो मुझे लगता है कि फ्रिक्शन को बहुत आराम से करेंगे, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है इसमें, हमें फ्रिक्शन एंड सर्कुलर दोनों ही बहुत आराम से करेंगे, और जब तक समझ नहीं आएगा तब तक करेंगे और खूब प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी रोज। ठीक, कोई जल्दी नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं होनी इसके बाद, दो रिकॉर्डिंग्स के बाद, इसी के ऊपर जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं चलने वाले। ठीक, और मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा अलग अलग तरीके से अगले लेक्चर में भी, पहले समझाऊंगा, रिकॉर्डिंग भी आपके पास सुन के आओगे, क्लास में भी समझा रहा हूँ, फिर अगली बार धीरे धीरे रियल टाइम प्रॉब्लम दूंगा जिससे कि आप आंसर देने स्टार्ट करोगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक, तो इसके अंदर एक और खास बात है कि जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि बॉडी को हिलाने के लिए मिनिमम फोर्स मुझे कितनी चाहिए, 10 न्यूटन चाहिए, और ये क्या थी, फोर्स अप्लाइड, और ये क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मैंने बताया था कि अगर 1 न्यूटन है तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन है, 2 न्यूटन है तो 2 न्यूटन है, ऐसे करते करते 10 न्यूटन है, तो ये भी 10 न्यूटन है यहां तक। फिर मैंने बताया था ये 11 न्यूटन है, 12 न्यूटन है, 100 न्यूटन, जितनी मर्जी ले लो, इसने तो कांस्टेंट हो ही जाना है, ये कांस्टेंट रहेगी। तो इस दौरान बॉडी किस पे थी, रेस्ट पे। ये सारी फ्रिक्शंस कौन सी हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये वैल्यू खास है, ये 10 न्यूटन का नाम मैं ये लिख सकता हूं, दिस इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसका दूसरा नाम रिकॉर्डिंग में भी बताया था, क्या नाम था इसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या ये नाम याद रहेगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आज के बाद जब न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन आएंगे तो न्यूमेरिकल में ये थोड़ी ना कहा होगा कि लेट अस सपोज 10 न्यूटन इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी, बिल्कुल गलत। वो कहेगा लेट अस सपोज इस बॉडी की लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 10 न्यूटन। तो आपको समझना पड़ेगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब बॉडी को हिलाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए, 10 न्यूटन। क्या ये पॉइंट समझ में आया, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या बॉडी को हिलाने की मिनिमम फोर्सेस नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। कोई डाउट यहां तक तो प्लीज पूछ सकते हो, डाउट डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो। ग्राफ भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब मैं आपका आंसर दूंगा, मैंने रिकॉर्डिंग के अंदर भी दिया था, इससे चैप्टर एकदम चेंज हो जाएगा। क्या कि हमने फ्रिक्शन की, देखो ये जो फ्रिक्शन है ना, ये कैलकुलेट करनी बहुत मुश्किल है,
कि ये, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है ये कैलकुलेट कैसे करोगे, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है, क्योंकि 1 न्यूटन है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 3.1 है तो 3.1 है, 4.1 है तो 4.1 है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। हाँ, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो 10 न्यूटन की बॉडी को हिलाने के लिए, नहीं अभिजीत इन वैल्यूज को नहीं कर सकते। अभिजीत इन वैल्यूज को कर सकते हो कि बॉडी की लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो मैं आपको अब दो फॉर्मूलाज देने वाला हूं। पहला फॉर्मूला ये बताएगा कि बॉडी को हिलाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग फ्रिक्शन या हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, बात एक ही है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। और मैं आपको दूसरा फॉर्मूला दूंगा जिसके अंदर हाउ टू कैलकुलेट काइनेटिक फ्रिक्शन, ये भी मैं आपको फॉर्मूला दूंगा। तो दो फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं, एक ये वाला, एक ये वाला, राइट, क्लियर है यहां तक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक टर्म डिफाइन करते हैं और वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, हम यहां पर एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसको क्या नाम देंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसका सिंबल क्या होगा, म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज है, देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कि कोई भी बॉडी कितनी रफ है, कोई भी बॉडी कितनी रफ है, ठीक, उसको डिफाइन करने के लिए। देखो हम रफ का मतलब क्या होता है ना, रफ का मतलब उसकी शेप ऐसी है, खुरदरापन है, जितनी खुरदरी होगी, जितना रफ होगा उतने बॉन्ड इजीली बनाएगी किसी भी दूसरी सरफेस के साथ। अब मैं नंबर ऑफ बॉन्ड तो कैलकुलेट नहीं कर सकता ना, फिजिक्स में नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करूंगा। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मतलब इतनी डीप स्टडी हम नहीं करेंगे फिजिक्स में, हम एक कॉन्स्टेंट के साथ काम करेंगे सरफेस का, जिसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं म्यू। अगर म्यू की वैल्यू हाई होगी, सरफेस उतनी ही ज्यादा रफ होगी और उतनी ही हाई फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। बस हम इससे डीप नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे फ्रिक्स में माइक्रोस्कोप लेके चल पड़े सड़क पे और देखते हैं कितनी सरफेस स्मूथ है और देखें हाँ ये तो बहुत खुरदरी लग रही है, इसमें फ्रिक्शन ज्यादा है, हम ये नहीं करेंगे। हम सरफेस को स्टडी किया हुआ है हमने फ्रिक्स वालों ने, और हम क्या करते हैं कोफिशिएंट डिफाइन कर देते हैं, म्यू अगर ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन, यानी कि सरफेस ज्यादा रफ होगी तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगी, अगर म्यू कम होगा तो फोर्स पर फ्रिक्शन कम होगी, वो सरफेस रफ कम होगी, और अगर म्यू जीरो होगा तो फिर यानी कि स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल भी फ्रिक्शन है ही नहीं, उसमें रफनेस है ही नहीं, राइट। तो म्यू आपको क्वेश्चन में गिवन भी होगा प्लीज, तो आप सरफेस को स्टडी नहीं करते हो, म्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एक ऐसा कॉन्स्टेंट जो सरफेस की रफनेस को डिफाइन करता है। नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं है हर्षित इसमें, ठीक, सरफेस को डिफाइन करता है। अब इसके अंदर अगर हम म्यू की बात करते हैं, तो मैंने जैसे बताया कि वो इसकी रफनेस को डिफाइन करेगा, ओके हाँ अक्षत मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, एक मिनट, और मुझे याद दिला देना अभी, मैं भूल गया, पिछले फोर्स के चैप्टर के अंदर ना एक टॉपिक था प्रूव दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, वो मैंने डिस्कस नहीं किया था। मैं अब ये फ्रिक्शन जब खत्म करूंगा ना, आखिरी जब 10 मिनट रह जाएंगे, काफी 10 मिनट में वो टॉपिक डिस्कस करना रह गया था, वो डिस्कस करूंगा क्योंकि वो स्कूल में 101% आएगा, ठीक रहना चाहिए। वैसे कितने लोगों ने सुन लिया था प्रूव दैट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रियल लॉ ऑफ मोशन, सुन लिया सबने, सुन लिया है, ओके ठीक है। कितनों को डाउट है उसमें, वैसे कितनों को डाउट है उसमें, डाउट लिखो चैट में।
ठीक है हर्षिता, वो पेपर में आएगा, मैं अभी जाते हुए डिस्कस करूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं जरा इससे पहले क्लोज कर दूं, कोई बात नहीं यश, क्लास के एंड में ले लूंगा मैं वो, ठीक। तो इसके अंदर विदेश आपका क्वेश्चन ऊपर रह गया यार, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, रियल लॉ वाला, राइट। देखो अब क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो दो तरीके की है, दो तरीके की कैसे, एक मैक्सिमम स्टैटिक, मैक्सिमम स्टैटिक का मतलब बॉडी को, जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसको हिलाने के लिए मिनिमम कितनी फोर्स चाहिए वो मैक्सिमम स्टैटिक है, और एक बार चल पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक। ठीक है, मैक्सिमम स्टैटिक और काइनेटिक। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मैं आपको दो वैल्यूज दूंगा, एक मैक्सिमम स्टैटिक, जैसे अगर बॉडी को हिलाने के लिए मिनिमम कितनी फोर्स चाहिए, 10 न्यूटन। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि 10 न्यूटन कहां से आता है, ये बताऊंगा कहां से आया, और एक ये पूछ रहे थे कि वो 9.5 न्यूटन कैसे कैलकुलेट करते हो कि जब बॉडी मोशन में आती है तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 9.5 न्यूटन क्यों है, ये दो वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको स्टडी करने के लिए हमने दो किस्म के म्यू बनाए, है ना, जो म्यू है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो दो टाइप से यूज करते हैं, एक जब स्टैटिक की कैलकुलेशन होती है उसको म्यू एस बोलते हैं, और जब काइनेटिक की कैलकुलेशन होती है उसको म्यू के बोलते हैं। तो म्यू दो टाइप्स के होंगे, एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों, वो इसलिए क्योंकि आपको दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और दो वैल्यूज के लिए आपको म्यू को डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ठीक। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ठीक, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो ये दो वैल्यूज क्यों बनाई गई, इसका आंसर भी दूंगा मैं अभी आपको। देखो कैसे, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर बॉडी रुकी हुई है ना, मैंने बताया था रुकी हुई है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर चल रही है तो बॉन्ड थोड़े से वीक रहते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग बनते नहीं है। तो जब बॉडी रुकी हुई है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो उसकी रफनेस है, उसकी जो बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर बॉडी चल रही है तो मैंने क्या बताया कि उसकी म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी रफनेस का पार्ट थोड़ा सा कम होगा, उसकी बॉन्डिंग थोड़ी वीक होगी, ये सब चीज म्यू के अंदर कंसिडर की जाती है। लेकिन हम ये नहीं डिस्कस करते म्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इतने नंबर ऑफ बॉन्ड बूंड पे कुछ नहीं करने वाले। तो इसीलिए जब बॉडी रुकी होती है ना, रेस्ट पे होती है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं म्यू एस, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब बॉडी किस में होती है, इन मोशन, म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये दो वैल्यूज का काम क्या है इसको समझते हैं। जैसे मैंने अपने पीडीएफ के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि मान लो ये 10 kg की बॉडी है, ठीक, मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करूंगा, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, इस सरफेस की 2 μ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको नहीं कैलकुलेट करनी, आपको गिवन होती है दोनों म्यू। तो एक 0.5 कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एक 0.4 कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो होता है वो स्टैटिक से हमेशा कम ही होता है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो फोर्स की वैल्यू है, जो फ्रिक्शन
ऑफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू स्टैटिक से कम ही आती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अब एक चीज देखो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कैलकुलेशन होती कैसे है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कैलकुलेशन के लिए एक लॉ बनाया गया। क्या लॉ बनाया गया? जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो फिजिक्स वालों ने एक लॉ बनाया। लॉ ये कहता है कि किसी भी बॉडी की जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो डिपेंड करेगी उस बॉडी के वेट के ऊपर, नहीं बोलना बिल्कुल गलत, उस बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन पे, उस बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन पे। ये लॉ कहता है नॉर्मल रिएक्शन पे। तो एफ क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू लॉ, जितना भारी होगा वेट बॉडी का उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि वेट अगर ज्यादा होता है नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा होता है, सबको पता है रिएक्शन फोर्स ज्यादा हो जाती है। और साथ में सरफेस की नेचर पे भी डिपेंड करेगा उसकी रफनेस कैसी है। तो इसीलिए कॉन्स्टेंट लगता है यहाँ पर म्यू, जो क्या बताता है, रफनेस ऑफ सरफेस। एक नॉर्मल रिएक्शन जो जितनी ज्यादा बॉडी भारी होगी नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, उसकी रफनेस पे। रफनेस के लिए क्या फैक्टर यूज करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये फॉर्मूला सब याद रखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्लियर है। एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, भूलना नहीं है इस फॉर्मूले को, एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, तो चाहे स्टैटिक कैलकुलेशन करनी हो चाहे काइनेटिक कैलकुलेशन करनी हो, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। मैं करके दिखाता हूं, देखो कैसे। अगर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन यहां पर लगाऊं तो इसका वेट कितना है 10g, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी क्या होगी इसमें 10g, राइट? तो मैं एक मिनट जगह बना लूं। देखो तो इसके अंदर मैं बता रहा था कि इसका वेट कितना है 10g, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी कितनी है इसमें 10g, ठीक 10g। तो मुझे एक बात बताओ, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। पर प्रॉब्लम है कि म्यू कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी दो टाइप की निकलेगी इसमें। ए के पैर में एस लगेगा, तो ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ए के पैर में के लगेगा, के, तो ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और एक फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, दो फ्रिक्शन निकलेंगी। कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी है, म्यू एस का मतलब क्या है 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन कितना है 10 into g, तो 0.5 into 10 into 10, तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 50 न्यूटन आएगा। तो म्यू एस का फॉर्मूला जब भी यूज होगा, भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है, म्यू एस का फॉर्मूला जब भी यूज होगा तो ये आपको हमेशा क्या देगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि बॉडी को हिलाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए ये वो वैल्यू देगा। तो बॉडी को हिलाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए इसमें 50 न्यूटन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बॉडी को हिलाने के लिए फोर्स की आप पूछ रहे थे ना कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग म्यू के, नहीं बाय यूजिंग म्यू एस। क्या ये रूल क्लियर है? म्यू एस का मतलब है कि बॉडी को हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। और म्यू के का रोल तो तब आएगा जब बॉडी मूव करेगी, जब करेगी, चेक कर लें करेगी कि नहीं करेगी, चेक करते हैं। 0.5 आ रहा है, 5 into 10 50 आ रहे वरांश, ठीक है। तो इस बॉडी को म्यू में म्यू 0.5 गिवन है,
0.5 म्यू की वैल्यू गुणांश गिवन ही होगी इसमें, जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछने वाला, हाँ इट इज कॉन्स्टेंट म्यू, यस म्यू इज कॉन्स्टेंट, म्यू इज कॉन्स्टेंट रहेगा, ये नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो इतनी वैल्यू, अब देखो किसी ने पूछा, नहीं यूनिवर्सली कॉन्स्टेंट नहीं है गुणांश, तो क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड करेगा, अपने मन से ले रहा हूँ हर क्वेश्चन में वेरी करेगी, खुरदरापन तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट कैसे हो सकता है, क्यों कोई सरफेस स्मूथ है कोई नहीं स्मूथ, तो म्यू एस और म्यू के दोनों चेंज होंगे हर सरफेस पे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन होगी भी या नहीं होगी पहले ये तो डिसाइड कर दो, काइनेटिक फ्रिक्शन होगी कि नहीं होगी, यस कि नो, नो नो, ओके नो, मैंने बोर्ड के डायग्राम को देख के आंसर देना, नो सूरज नो, अक्षत नो, हाँ कुमार सही क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन सही पूछ रहे हो, कुमार पूछ रहा है ये तो बता दो कि आपने फोर्स कितनी अप्लाई की, आप तो घर बैठ के जाके आपने फोर्स ही अप्लाई नहीं की, फिर पूछ रहे हो कि फ्रिक्शन कितनी है, मैं फ्रिक्शन कैसे निकालूं, फोर्स अप्लाइड 1 न्यूटन, अब बनेगी बात, तो अगर फोर्स अप्लाइड 1 न्यूटन है तो क्या इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल है, नहीं है, यश है, काइनेटिक फ्रिक्शन हुए यूज करें इसमें, ओके तो काफी लोग इसमें आंसर अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जब वो बेचारी चलेगी नहीं, उसको चलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, 50 न्यूटन, और आप कितनी लगा रहे हो, 1 न्यूटन, उसे चलना ही नहीं, तो बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का तो क्वेश्चन अराइज होता ही नहीं, तो म्यू के का इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं क्वेश्चन में पूछूं व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो आंसर क्या होगा, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, 1 न्यूटन, बिल्कुल सही, बॉडी को हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, 50 न्यूटन, और मैंने कितनी लगाई, 1 न्यूटन, तो इसका मतलब इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपको कितनी देनी है, यहां पर 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक होगी नहीं स्टैटिक होगी, क्या सबको ये एग्जांपल क्लियर है, कोई डाउट है तो डाउट लिखो प्लीज अभी के अभी, ठीक है यश, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन में मैंने यहां पर फोर्स 200 न्यूटन लगाई होती, अगर मैंने इसी क्वेश्चन में फोर्स 1 न्यूटन की जगह 200 न्यूटन लगा दी, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलो क्या होगी, अब आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है, अब एक चीज नोट की जाए कि बॉडी को हिलाने के लिए चाहिए थी 50 न्यूटन, आपने लगा दी 200 न्यूटन, तो बॉडी मोशन में होगी, और अगर बॉडी मोशन में हो स्टैटिक का कोई काम नहीं है तो किसका काम है इसमें, इसमें अब काइनेटिक का काम है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, न्यू के की वैल्यू कितनी है 0.4, नॉर्मल रिएक्शन कितना है इसमें 10g, यानी कि 0.4 × 10 × 10 यानी कि 40 न्यूटन, ये आंसर होगा। तो पॉइंट सबको समझ में आया कि कैसे आपने आंसर्स देने हैं, कैसे आपने डिसाइड करना है कि स्टैटिक का आंसर होगा या काइनेटिक का आंसर होगा, देखो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, ऐसी बात नहीं है, ये कोई बोर चीज नहीं है, हाँ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन होगा, हर्षिता काइनेटिक ने किसने क्वेश्चन पूछा है ये, हर्षित काइनेटिक और स्टैटिक की फ्रिक्शन नहीं गिवन होगी, हाँ बिल्कुल यश 40 न्यूटन आंसर होगा इसका, इस केस में
कोफिशियंट्स गिवन होंगे, फ्रिक्शन तो आपको खुद निकालनी होगी, म्यू की वैल्यू गिवन होगी स्टैटिक की एंड काइनेटिक की, म्यू की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, बिल्कुल दिए होंगे, हर बार दिए होंगे, ठीक है, ओके। हाँ ठीक है हर्षित, गिवन होंगे, ओके ओके। एक क्वेश्चन का आंसर दें, ओके। क्वेश्चन इज सपोज एक इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री है, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है 5 केजी का, इस सरफेस की फ्रिक्शन की दो वैल्यूज गिवन है, म्यू एस एंड म्यू के गिवन है, म्यू एस भी गिवन है, म्यू के भी गिवन है, हाँ 40 न्यूटन ये पिछले क्वेश्चन में वाइल इन मोशन है, बिल्कुल सही, ठीक, ये दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, आपको इसमें ये बताना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है इसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रेजेंट है इसमें, ओके चेक कर लेते हैं, देखो इसके अंदर म्यू एस म्यू के दोनों गिवन है, ठीक है, अब इसके अंदर कौन सी फोर्स नीचे की तरफ इसको लेके आ रही है, आप बोलेंगे 5g sin 30 अप्लाइड फोर्स है जो बॉडी को नीचे लेके आ रही है, अब मुझे नहीं पता कि बॉडी नीचे सच में आएगी भी कि नहीं आएगी, तो मुझे चेक करनी पड़ेगी, अब चेक कैसे करते हैं, बाय कैलकुलेटिंग मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बॉडी को हिलाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए, अब इस केस में हमने कई बार फोर्स में डिस्कस किया कि 35g cos 30 ये नॉर्मल रिएक्शन, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, 0.5 इंटू स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है इंटू नॉर्मल रिएक्शन की जगह 5g sin 30 ये लो, तो यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 × 5 × 10 × 1/2 तो स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू, ये हो गया 5, ये हो गया 1 × 5 12.5 न्यूटन, तो इस बॉडी को मूव करवाने के लिए कम से कम 12.5 न्यूटन फोर्स चाहिए, मैंने कितनी लगाई, मैंने तो ये लगाई, इसको जरा इवेल्युएट कर लें, 5g sin 30, ओ एम सॉरी मैंने यहाँ कॉस पुट करना था, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इसमें 5g cos 30 है, सॉरी फिर से एक बार करना पड़ेगा मुझे, तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह 5g cos 30,
तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू रूट 3/2, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 5 इंटू 5 रूट 3। तो सॉल्व करेंगे, कितना रहा सॉल्व करके इसे, 21.65 आ रहा है, ये आ रहा है 0.5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1.732, 21.65 बिल्कुल सही। तो इसको मूव करवाने के लिए 21.65 न्यूटन फोर्स चाहिए। मैंने कितनी फोर्स अप्लाई की, 5g sin 30, 5 इंटू 10 इंटू 1/2, तो कितनी आई, 25 न्यूटन। तो मैंने 25 न्यूटन अप्लाई की, बॉडी को हिलाने के लिए कितनी चाहिए थी, 21.65। क्या ये बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी, यस कि नो, करेगी बिल्कुल, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शन स्टैटिक कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कम है, तो बॉडी मूव करेगी। तो कौन सी फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगी, स्टैटिक की काइनेटिक। इस क्वेश्चन में हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक, क्योंकि बॉडी स्लाइड करेगी, जब बॉडी स्लाइड करती हुई नीचे आ रही है तो काइनेटिक ही अपना रोल प्ले करेगी। तो आपका आंसर जब आप मार्क करेंगे ये नहीं करेंगे, आपको अब सॉल्व करके काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देनी पड़ेगी। और इसके अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू के की वैल्यू 0.4 इनटू 5g cos 30। तो काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 0.4 इनटू 5 इनटू 10 इनटू रूट 3/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.4 इनटू 5 इनटू 10 इनटू 1.732 डिवाइडेड बाय 2, 17.32। नो नो, यू कैन नॉट यूज कैलकुलेटर प्लीज। आंसर आप नहीं यूज करोगे, ये तो क्लास रुके ना इसलिए यूज करता हूं, अदरवाइज यूज नहीं करना आपको। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टैटिक एंड काइनेटिक का, एक बार पहले ये बता दो, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, और ये इंटरेस्टिंग भी है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो प्लीज पहले डाउट पूछे तो ही आगे चलेंगे, नहीं तो आगे नहीं चलेंगे। यहां तक क्लियर है, धीरे धीरे करेंगे काम। रिकॉर्डिंग तो कुछ ज्यादा ही दे दी थी मैंने, वैसे मैंने दिया था कि चलो कुछ तो सुन के आओ गई। अर्नब कहां पे डाउट है आपको, इस क्वेश्चन में डाउट है अर्नब, अर्नब डायग्राम में, नॉम डायग्राम में आपको दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन थे ना, आपने स्टैटिक फ्रिक्शन को यूज कर लिया पहले, स्टैटिक फ्रिक्शन में नॉर्मल रिएक्शन को पुट कर लिया 5g cos 30, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पता थी तो ये आंसर आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बताती है अर्नब, ये बताती है कि इस बॉडी को मूव करवाने के लिए, हिलाने के लिए, अपनी जगह से हिलाने के लिए कम से कम इतनी फोर्स चाहिए। अर्नब यहाँ तक क्लियर है, ये समझ में आ रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बताती है, ठीक है अर्नब। अब बॉडी को नीचे लेके कौन आ रहा था अर्नब, 5g sin 30 लेके आ रहा था, मुझे याद है फोर्स क्या करते थे, 5g sin 30, 5g cos 30। तो इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो 25 न्यूटन आ गया। तो बॉडी को 25 न्यूटन की फोर्स नीचे लग रही है ताकि बॉडी नीचे आए, और हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, 21। तो बॉडी हिलेगी कि नहीं हिलेगी, हिलेगी ना। तो अगर बॉडी चलेगी, अगर बॉडी चलेगी तो काइनेटिक का रोल है, तो काइनेटिक कैलकुलेट कर दिया, डन हो गया आंसर। नहीं अभी नहीं कर सकता रचित, धीरे धीरे चैप्टर ओपन करूंगा। मैंने रिकॉर्डिंग में खुद कह रहा हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ही दे दी थी, मैंने रिकॉर्डिंग सुनने के लिए आपको कुछ ज्यादा ही दी थी, वो इसलिए दी थी कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट ना खुल जाएगा और यहाँ पर आपकी रिवीजन हो जाएगी धीरे धीरे। मैं कोई रिकॉर्डिंग आज भी या कल भी अपलोड नहीं करने वाला हूँ, उसी को आपको सुनना है बहुत अच्छे से। हाँ, बुक्स अगर आपके पास हैं, SL की बुक है या कोई और बुक है, आप रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं फ्रिक्शन को बहुत तेजी से चला नहीं सकता हूँ, फ्रिक्शन मुझे बहुत आराम से चलाना है, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट खराब ना हो जाए। यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया,
इस बार मैंने सोचा नहीं है टेस्ट के बारे में, अभी देखता हूँ फ्रिक्शन कितना करवा पाता हूँ अगले लेक्चर में। तो फ्रिक्शन तो आज यहीं तक चलेगा, ठीक है। और फ्रिक्शन के बाद एक सेकंड देना मुझे। ओके तो इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन के साथ मैं क्लोज करता हूँ आज प्रोग्राम, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल, जिसको आता है जिसको जरूरत नहीं वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको डाउट है वो रुक सकता है, ठीक है। तो मेरी तरफ से फ्रिक्शन क्लोज है, जिसने जाना चाहे, और जिसको डाउट है न्यूटन सेकेंड लॉ रियल ऑफ मोशन के अंदर, बस मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दैट्स न्यूटन सेकेंड लॉ रियल लॉ ऑफ मोशन। तो रियल लॉ का मतलब, बिकॉज इसके अंदर फर्स्ट लॉ भी प्रूव किया जा सकता है और इस लॉ की हेल्प से हम थर्ड लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा टू प्रूव न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ, ठीक है। तो ऐसी दो केस बनेंगे, एक बार फर्स्ट लॉ प्रूव करेंगे सेकेंड लॉ से निकाला जा सकता है, एक बार थर्ड लॉ निकाला जा सकता है। तो आप इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इफ फोर्स इज जीरो तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है कि या तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है या फिर बॉडी किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है, इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दी बॉडी, अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्टिंग करती तो या तो बॉडी मूव करती है कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर किस में रहती है, एट रेस्ट। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ प्रूफ समझ में आ गया, सेकेंड लॉ से प्रूफ किया जा सकता है। तो डाउट है डाउट लिखो इसमें। यादा क्वेश्चन है, फिर आपने क्या करना है, केस नंबर टू to prove Newton's third law, है ना। अब हम क्या करेंगे, to prove Newton's third law is contained in second law, ठीक है। तो केस नंबर टू, केस नंबर टू to prove Newton's third law is contained in second law, ठीक है। तो इसको करने के लिए देखो क्या करेंगे, क्रिश में कनेक्शन चेंज कर लेता हूं अगर प्रॉब्लम आ रही है।
तो कनेक्शन चेंज कर लिया, वॉइस में शक हो जाए. टू प्रूव न्यूटन थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक बॉल लेनी है ना, इसका मास है एम वन. आपने एक और बॉल लेनी है जिसका मास है एम टू, और ये मानना है कि इन दोनों की टक्कर हो गई, कोलिजन हो गई. जब कोलिजन हुई तो इसके ऊपर फोर्स लगी एफ वन टू वेक्टर. एफ वन टू वेक्टर का मतलब वन के ऊपर फोर्स लगी, किसने लगाई, टू ने लगाई. और इसके ऊपर एफ टू वन वेक्टर, टू वन वेक्टर का मतलब टू के ऊपर फोर्स लगी, किसने लगाई, वन ने लगाई. इक्वल एंड ऑपोजिट. तो अगर आप न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव करना चाहते हो तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा एफ वन टू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ टू वन वेक्टर, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, ये प्रूव करना पड़ेगा. तो इसके लिए आप एक काम करेंगे, एफ वन टू वेक्टर को लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ पी वन वेक्टर, क्योंकि न्यूटन का सेकेंड लॉ यही कहता है फोर्स इज डी बाई डी टी ऑफ पी. तो एफ वन टू वेक्टर इज डी बाई डी टी ऑफ पी वन वेक्टर, ये पहली बॉल के ऊपर फोर्स है तो पहली बॉल का मोमेंटम. एंड एफ टू वन वेक्टर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी टू वेक्टर. तो ये दो चीजें लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे. जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एफ वन टू वेक्टर प्लस एफ टू वन वेक्टर विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी वन वेक्टर प्लस पी टू वेक्टर. तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और दोनों की राइट हैंड साइड आपने ऐड कर दी, ये वैल्यू आ गई. फिर आपने ये बोलना है कि क्योंकि दिस इज अ केस ऑफ कोलिजन और कोलिजन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम दोनों बॉल्स का हमेशा हमेशा क्या रहेगा, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद सेम. यह था ना लास्ट टाइम, टक्कर के बाद और टक्कर के पहले टोटल मोमेंटम पी वन प्लस पी टू कॉन्स्टेंट है. और कॉन्स्टेंट के डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, जीरो. तो एफ वन टू वेक्टर प्लस एफ टू वन वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, जीरो. और अगर ये जीरो है तो ये प्रूव हो गया ना, एफ वन टू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ टू वन वेक्टर. तो आप लिखेंगे एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इस केस में ये प्रूव है. तो न्यूटन थर्ड लॉ कैन बी प्रूव फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ. कोई डाउट है तो डाउट लिखें प्लीज, कोई डाउट है डाउट लिखें. क्लियर है, क्लियर लिखें, क्लियर है तो डन रक्षित, छुट्टी. ठीक है पवन, जा सकते हो, मैं यहीं पे क्लोज है. थैंक यू. सही, कोई डाउट वाला है देख लो. ठीक है, जा सकते हो. ओके, मंडे हॉलिडे है निदेश, मैं कह नहीं सकता, वैसे हो भी सकती है निदेश. बाकी ट्यूशन पे क्या हो रहा है मुझे पता नहीं. बाकी केमिस्ट्री की भी ऑफ है क्या निदेश, मंडे को राखी वाले दिन? छुट्टी चाहिए ध्रुव, थक गए हो, कोई ब्रेक नहीं है. बुरा हाल हो गया, एक छुट्टी का मतलब नॉन मेडिकल में वेकेशन होती है, वेकेशन. देखते हैं, ठीक है, बाकी ट्यूशन पे देख लेते हैं. अगर केमिस्ट्री में होगी फिर तो कर देंगे, अगर केमिस्ट्री होगी फिर क्या करेंगे. ठीक है, तो कोशिश कर लेंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके. मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, फेस्टिवल्स पे वैसे मैं ऑफ रखता हूँ. अपनी नेचर बता दूं, छुट्टियां इसीलिए नहीं करता क्योंकि दिवाली पे या कोई और फेस्टिवल है तो मैं उस टाइम नहीं पढ़ाता. ठीक है, तो उसमें एटलीस्ट जो एंजॉय करने वाला पार्ट है एंजॉय करो, क्या दिक्कत है. ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है.